नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभियों का राइट डायरेक्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। माय नेम इज ऋषिकेश और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट एलएलबी कोर्सेस। प्राइमरीली इसमें हमने चार अलग अलग कोर्सेज को कवर किया है, बीएलएस एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी और प्लेन 3 इयर्स वाला एलएलबी। स्टार्ट करते हैं। अंडर दी बैनर ऑफ राइट डायरेक्शन अकेडमी वी प्रोवाइड कोचिंग एंड गाइडेंस फॉर डिफरेंट लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन लाइक क्लैट, लॉ सीटी, एलसैट, सिम्बॉयसिस की लॉ के एंट्रेंस एग्जाम्स एज वेल एज नर्सिंग मुंजी लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स। ऑल्सो वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन एज वेल। तो बिफोर वी एक्चुअली गो इन टू दी डिटेल्स ऑफ बीएलएस एंड बीबीए, उसके पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं कि ये एलएलबी किस तरीके से किया जा सकता है। सो बेसिकली लॉ करने के लिए दो एंट्री पॉइंट रहता है, एक रहता है कक्षा 12वीं के बाद और दूसरा रहता है ग्रेजुएशन के बाद। ऐसे स्टूडेंट जो कक्षा 12वीं के बाद एलएलबी करते हैं उनका कोर्स 5 साल का रहता है, विच इज कॉल्ड एज एन इंटीग्रेटेड कोर्स, क्योंकि जनरली इसमें 2 डिग्रीज मिलती है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है तो उनका कोर्स 3 इयर्स का रहता है, विच इज नथिंग बट अ प्लेन सिंगल डिग्री ऑफ एलएलबी। तो यदि अगर आप 5 इयर्स का करने वाले हैं लॉ, तो उसके लिए आपको एनएलयूज में एडमिशन के लिए क्लैट एग्जामिनेशन लिखना जरूरी है। आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज से भी कर सकते हैं। ऑल्सो देयर आर मेनी प्राइवेट कॉलेजेस जो कि लॉ सीटी का स्कोर एक्सेप्ट करता है। तो ये दो अलग अलग एग्जामिनेशन है, ये दो इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है मेन एग्जाम से। इसको छोड़ के भी और भी बहुत सारी एग्जामिनेशन है। एट द सेम टाइम ग्रेजुएशन के बाद क्लैट का ऑप्शन हमारे लिए नहीं बचता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, महाराष्ट्र लॉ सिटी फॉर 3 इयर्स। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। यदि अगर आपको इस डायग्राम को देखना है या आगे स्लाइड में से कहीं पे भी अगर कुछ चीजें देखनी है, तो आप इसको पॉज करिए वीडियो को एंड यू कैन वॉच दिस पर्टिकुलर डिटेल्स। अब सबसे पहले यहाँ पे चार चीजें हमने कवर की है, बीएलएस एलएलबी, बीबीए एलएलबी, बीए एलएलबी एंड फाइनली प्लेन 3 इयर्स का एलएलबी। तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे देखिए पैरामीटर दिया गया है एंड राइट हैंड साइड में उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले तीनों का फुल फॉर्म अलग अलग है। बीएलएस स्टैंड्स फॉर बैचलर्स इन लेजिस्लेटिव साइंस एंड एलएलबी, बीबीए इज बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एलएलबी, बीए इज बैचलर्स इन आर्ट्स एंड एलएलबी, और एलएलबी का जो प्लेन कोर्स है दैट इज नथिंग बट बैचलर्स इन लॉ। एक्चुअली उसका जो लैटिन नेम है वो है लेग्यूम बैकेलोरस। ओके, तो इंग्लिश में हम लोग इसको बैचलर्स इन लॉ कहेंगे। बी एल एस एल एल बी ये कोर्स प्राइमरली मुंबई यूनिवर्सिटी और कोल्हापुर यूनिवर्सिटी, इन दो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। बी बी ए एल एल बी मुंबई यूनिवर्सिटी एज वेल एज पुणे यूनिवर्सिटी में भी होता है। बी एल एल बी ऑल यूनिवर्सिटीज अक्रॉस महाराष्ट्र एक्सक्लूडिंग मुंबई यूनिवर्सिटी। मुंबई यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक ही कॉलेज है, बाकी जितने भी मैक्सिमम कॉलेजेस है वो बी एल एस के है। और एल एल बी ये सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। ठीक है, महाराष्ट्र में तकरीबन 11 अलग अलग यूनिवर्सिटीज है जो गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश की है, फिर प्राइवेट तो बहुत सारी है। तो इसमें ये फर्क रहेगा कि टेरिटोरियल वाइज यूनिवर्सिटीज का फर्क इसमें रहेगा। बी एल एस, बी बी और बी ए ये तीनों इंटीग्रेटेड कोर्स है, तो ऑब्वियसली वो 5 साल के रहेंगे। और एल एल बी ये 3 इयर्स का कोर्स है। बी एल एस का जो इंक्लिनेशन है दैट इज बेसिकली टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। जब भी हम लोग सिलेबस की लिस्ट देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया। फिर उसके बाद फिर बी ए एल बी जो है उसका भी इंक्लिनेशन टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज और आर्ट्स है, और बी बी ए का जो इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स मैनेजमेंट। मतलब यदि अगर आप बी बी ए सिंगल डिग्री पढ़ते हैं तो उसमें जिस तरीके के सब्जेक्ट आपको होते हैं या बी एम एस में होते हैं उसी तरीके के सब्जेक्ट आपको बी बी ए में मिलेंगे। अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा सिलेबस को हमने पोस्ट डाउन कर दिया है, कवर कर दिया है। तो बी एल एस एल एल बी यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सिलेबस दिए गए हैं। तो सेमेस्टर 1 में यहाँ पे आप देखिए कि इंग्लिश, लॉजिक, इकोनॉमिक्स ऐसे सब्जेक्ट है, फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, लीगल राइटिंग, इसके बाद सोशोलॉजी आपको है, हिस्ट्री ऑफ कोर्ट्स है। तो ऑल इन ऑल यहाँ पे आप देखेंगे बी एल एस का जो इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स। ठीक है, और बी एल एस में पहले 2 साल के लिए, मतलब पहले 4 सेमेस्टर के लिए थोड़ा सा लाइट वेट है, क्योंकि इसमें आपको तीन तीन ही सब्जेक्ट हर सेमेस्टर में पढ़ना है। लेकिन जैसे ही वो स्टूडेंट 3rd ईयर में, मतलब 5th सेमेस्टर में एंट्री करेगा, तो उनको कोर एलएलबी के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे कि लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट 1, टॉर्ट, लीगल लैंग्वेज एक्सेट्रा। उसके बाद 2nd सेमेस्टर, मतलब उसके अगला वाला 5th सेमेस्टर, ये है लॉ लॉ ऑफ क्राइम्स, क्रिमिनल लॉ, कंस्टिट्यूशन लॉ, फैमिली लॉ, एनवायरमेंटल लॉ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नॉर्मली हर पर्टिकुलर सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट रहेंगे,
और एक प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। इसके बाद सेमेस्टर नंबर 7, 8, 9, 10 का पूरा समरी यहाँ पे दिया गया है, तो इसको आप देख लेना, वीडियो को पॉज करके इसको आप देख सकते हैं। इसमें खास एक चीज बताने लायक ऐसी है कि कुछ कुछ सेमेस्टर्स में आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलेगा। इलेक्टिव का मतलब होता है चॉइस पेपर। तो ये जो तीन सब्जेक्ट दिख रहे हैं, क्रिमिनोलॉजी, टैक्सेशन लॉज और बैंकरप्सी, इन तीनों में से कोई एक आपको चूज करना है। आपके पास चॉइस है कि कोई भी एक आप चूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, आपको कन्वीनियंट लगता है। सिमिलरली जो 10th सेमेस्टर है वहां पे भी तकरीबन उन्होंने 6 टॉपिक्स दिए हैं, जिसमें से कोई भी 2 टॉपिक आपको पिक करने हैं ऑप्शन पेपर के तौर पे। तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। तो BLS LLB का झुकाव ये ह्यूमैनिटीज आर्ट्स की तरफ है और लॉ के सब्जेक्ट तो रहेंगे। अब हम लोग BA LLB को देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि BA LLB ये ज्यादातर सभी यूनिवर्सिटीज में होता है एक्सेप्ट मुंबई यूनिवर्सिटी। तो हम लोग फिलहाल एग्जाम्पल के तौर पे पुणे यूनिवर्सिटी को कवर कर रहे हैं। इसका ऑफिशियल नाम है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी और सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो फर्स्ट ईयर LLB में 2 सेमेस्टर रहेंगे, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। सेमेस्टर 1 में देखिए आपको जनरल इंग्लिश है, उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशोलॉजी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसमें भी आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल थियरी, देन थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ सोशोलॉजी। तो ऑल इन ऑल इसका भी जो इंक्लिनेशन है दैट इज टुवर्ड्स ह्यूमैनिटीज। फिर यहाँ पे सेमेस्टर 3 में लीगल लैंग्वेज और लीगल रीजनिंग, फिर पब्लिक पॉलिसी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थियरीज ऑफ डेवलपमेंट एंड इंडियन इकोनॉमी, सोसाइटी इन इंडिया। सेमेस्टर 4 में लॉ एंड लिटरेचर, इंटरनेशनल रिलेशंस, लॉ एंड इकोनॉमिक्स, सोशल रिसर्च मेथड्स। आगे वाले जो सेमेस्टर्स हैं, पूरे नाम पढ़ने से बेहतर ये है कि आप यहीं वीडियो को पॉज करिए और इसको आराम से पढ़ लेना। जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी में कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट थे, वैसे पुणे यूनिवर्सिटी में भी ऑप्शनल सब्जेक्ट दिए गए हैं, चॉइस पेपर दिए गए हैं। ठीक है, अगले स्लाइड पे जाते हैं। दिस इज सेमेस्टर नंबर 6। यहाँ पे देखिए खास बात यह है कि जो BA LLB का सेमेस्टर 6 है वही BBA LLB का सेमेस्टर 6 है और वही 3 ईयर्स का सेमेस्टर 2 है। ठीक है, तो सब्जेक्ट सबके लिए कॉमन रहेंगे, समान रहेंगे। दिस इज सेमेस्टर नंबर 7। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं इसको। देन वी हैव सेमेस्टर नंबर 8। यहाँ पे आपको थोड़े से सीनियर किस्म के सब्जेक्ट है, जैसे एविडेंस, ज्यूरिसप्रूडेंस, ये सब। देन वी हैव सेमेस्टर नंबर 9, जिसमें सिविल प्रोसीजर कोड, CPC जिसको कहते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, IOS कहते हैं, एनवायरमेंटल लॉ, ये सब टॉपिक्स दिए गए। इसमें कुछ टॉपिक्स आपको उन्होंने ऑप्शन ऑप्शन के तौर पे दिया गया है, जिसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे है A से लेके E तक। एंड फाइनली द लास्ट 10th सेमेस्टर, जिसमें आपको CRPC है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, कंपनी लॉ है, एंड देन देर आर सम ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे इलेक्शन लॉ, बैंकरप्सी लॉ, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई होप ये समझ में आ गया रहेगा आपको। फंडामेंटली BLS LLB और BA LLB ये काफी हद तक सिमिलर है। BLS ये ज्यादातर मुंबई यूनिवर्सिटी में होता है और BA ये मुंबई यूनिवर्सिटी छोड़ के बाकी सभी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है। अब इसको छोड़ के एक अलग से डिग्री आती है जिसका नाम है BBA LLB, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एज द नेम सजेस्ट, इसका जो इंक्लिनेशन है वो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर मैनेजमेंट की तरफ होगा। इसके लिए आप देखना कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो भी कुछ इस किस्म से है, जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, ये दोनों टॉपिक मैनेजमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन से डील करते हैं। सिमिलरली 2nd सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये तीनों सब्जेक्ट BBA को बिलोंग करते हैं। ऑन द कॉन्ट्री लीगल मेथड, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 2, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये जो अलग अलग टॉपिक है ये LLB को बिलोंग करता है। एंड क्योंकि आप दोनों डिग्रीज की जो पढ़ाई है वो साथ में करते हो, इसके लिए ही इसे को कहा जाता है इंटीग्रेटेड कोर्स। ठीक है, अब ये BBA LLB कुछ हद तक थोड़ा सा हैवी वेट है, क्योंकि आप देखेंगे कि BLS में पहले 2 साल में आपको सिर्फ तीन तीन ही सब्जेक्ट है, जबकि यहाँ पे पहले सेमेस्टर से ही आपको पाँच पाँच सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा हैवी वेट है और इसमें दिए गए जो टॉपिक्स हैं वो मॉडर्न है। इसका जो झुकाव है वो कॉमर्स, कॉरपोरेट बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट, इसकी तरफ ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक अलग अलग सब्जेक्ट दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। अगले स्लाइड पे जाते हैं। सेमेस्टर 7, 8, 9, 10,
अगेन लॉ वाले सब्जेक्ट सब जगह पे कॉमन रहेंगे, जैसे लेबर लॉ, टैक्स लॉ, देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब जगह पे कॉमन रहेगा। ठीक है, आई होप इसको आपने ठीक से पढ़ लिया होगा। यहाँ पे इलेक्टिव सब्जेक्ट का कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट है उन्होंने दिए हैं सब पढ़ने हैं। ओके, तो बेसिकली बीए और बीबीए और बीएलएस में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आई होप आ गया रहेगा। अब इसमें से बेहतर कौन सा है, कौन सा बढ़िया है, कौन सा नहीं है, तो उसको थोड़ा सा ये समझते हैं प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए BBA LLB के जो कॉलेजेस है वो बहुत ही कम है नंबर्स में, तो BBA LLB के अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी कॉलेजेस जो है वो सिर्फ दो है। ये वीडियो हम लोग जून 2023 में बना रहे हैं, तो आज से कुछ साल के बाद यदि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो शायद नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़े हुए रहेंगे, बट एज ऑफ दिस मोमेंट दो ही है अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी। एक जो है वो आता है सेंटा क्रूज में और दूसरा आता है दिस इज इन थाने। ओके, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सीट्स दिए गए हैं BBA LLB, और इन दोनों कोर्सेज की जो फीस है वो 50,000 रुपीज है पर ईयर की। ठीक है, तो ये हो गया मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर। फिर मुंबई में ही एक SNDT यूनिवर्सिटी भी है, बट दिस इज अ वेमेन्स यूनिवर्सिटी, तो उनके भी सेंटा क्रूज एंड माटुंगा, ऐसी दो जगह पे कॉलेजेस है, बट दीज आर वीमेन यूनिवर्सिटीज, तो यहाँ पे जो एंट्री है वो सिर्फ लड़कियों को, फीमेल्स को मिलेगी। यहाँ पे टोटल इंटेक 60+60 का है एंड इनकी जो फीस है वो अराउंड 20,000 रुपीज है पर ईयर की। ठीक है, यहाँ पे देखिए कॉलेज टाइप गर्ल्स लिखा है और कोर्स जो है वो BBA लिखा है। ठीक है, फाइनली पुणे में आपके पास तीन ऑप्शन है, नवलमल फिरोदिया कॉलेज, मराठवाड़ा मित्र मंडल कॉलेज एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटीज मॉडर्न लॉ कॉलेज। यहाँ पे स्ट्रेंथ दी गई है, कौन सा कोर्स है वो दिया गया है। ऑल दिस कॉलेजेस कम अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो आई होप ये क्रिस्टल क्लियर है। तो बीबीए के आपके पास चॉइसेस बहुत कम है, अगर मुंबई में हो तो दो ही, अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो चार, 2+2, और अगर आप पुणे में हो तो तीन। इस तरीके से पूरे महाराष्ट्र में 7 कॉलेजेस है जो कि MH Law CET का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। याद रखिए, यदि अगर आप क्लैट की एग्जामिनेशन देते हैं CLET की, जो कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के लिए होती है, तो हर NLUs में BBA LLB और BALLB होता ही है, उसकी बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। फिलहाल हम लोग सिर्फ महाराष्ट्र लॉ CET को ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका एक ग्लांस वन ग्लांस समरी ऐसा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस सिर्फ एक ही है GNC, जो खुद सरकार चलाती है मैनेजमेंट। फिर गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस बहुत सारे हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की मदद या गवर्नमेंट की एड है। GNC में BLS LLB ये कॉलेज ये कोर्स चलाया जाता है। फिर प्योरली BLS कॉलेजेस जो है मुंबई प्रीमाइसिस में वो 38 है। BBA कॉलेज अंडर मुंबई यूनिवर्सिटी दो है एंड अंडर SNDT यूनिवर्सिटी दो है, तो ये उसकी समरी है। एंड अगेन पुणे में तीन है। ठीक है, अब बेसिकली 3 ईयर्स वाले जो स्टूडेंट है वो 3 ईयर्स LLB के जो स्टूडेंट है तो उनका पूरा सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। फर्स्ट सेमेस्टर में ही आपको डायरेक्टली लॉ के सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे लेबर लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, टॉर्ट्स, लीगल लैंग्वेज, ये सब। इसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आपको क्रिमिनल लॉ है, IPC, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फैमिली लॉ, एनवायरमेंटल लॉ। इन दी थर्ड सेमेस्टर यू हैव एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ टू, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसके बाद कंपनी लॉ। देन इन दी फोर्थ सेमेस्टर जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, इसमें अलग अलग सब टॉपिक्स है जैसे पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, लैंड लॉज, ऑप्शन पेपर, मतलब वही चॉइस वाला पेपर, तीनों में से कोई एक चॉइस करना है, और ऑब्वियसली आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी रहेगा। फिर इन द फिफ्थ सेमेस्टर यू हैव CPC, CRPC, IOS, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, मतलब कानून का अर्थ कैसे लगाना, उसके बाद पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। फाइनली इन द लास्ट सेमेस्टर आपको ADR है, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, लॉ ऑफ एविडेंस है, एंड यू कैन टेक एनी ऑप्शन पेपर्स विच एवर यू लाइक, जो आपको कन्वीनियंट है वो आप ले सकते हैं। अगेन यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रहेगा। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर सिनारियो। अब देखिए करियर LLB के बाद क्या क्या हो सकता है उसकी पूरी एक लिस्ट यहाँ पे दी है, बट ये पूरी एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब ये छोड़ के भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी कोर्स अच्छा या बुरा एज सच नहीं होता, बट फिर भी आप अगर BLS या BBA के बीच में कंफ्यूज हो, तो अगर आपका एकदम पक्का पक्का तय है कि आपको बिजनेस लॉ, कॉरपोरेट लॉ, टैक्सेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इसी में जाना है, इसी में फोकस है मेरा, तो ऐसी सिचुएशन में फिर BBA LLB वुड बी अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि उसमें जो सब्जेक्ट है वो इस सेक्टर से डील करता है। लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है कि आप यदि अगर आप BLS दोगे, BLS LLB की डिग्री लोगे, तो आप बैंकिंग सेक्टर में या कॉरपोरेट लॉ में नहीं जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है।
सिमिलरली यदि अगर आप बीबीए एलएलबी करते हैं तो आप खुद की प्रैक्टिस या लिटिगेशन में नहीं जा सकते, ऐसा भी नहीं है, ठीक है? तो मतलब कोई लिमिटेशन नहीं है, लेकिन अगर आपको किसी स्पेसिफिक सेक्टर में जाना है जैसे कि बिजनेस एंड कॉर्पोरेट लॉ, तो फिर बीबीए एलएलबी शायद एक बेहतर चॉइस हो सकता है। बीइंग सेड दैट, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस की संख्या कम है और यदि अगर आपका स्कोर कम होगा तो शायद आपको वो कॉलेज अलॉट होना मुश्किल है क्योंकि सीट्स कम है, तो आपको जो भी अच्छा कॉलेज मिल रहा है वहां से आप आपकी डिग्री कंप्लीट करिए, एंड लेटर ऑन आफ्टर वंस यू आर डन विद द डिग्री, उसके बाद जिस किसी फील्ड में आपको जाना है उस फील्ड के बारे में ही आप कुछ डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्सेस कर सकते हैं, उस फील्ड में ही आप इंटर्नशिप ले सकते हैं और उसी फील्ड में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है? तो करियर आफ्टर एलएलबी के ऊपर हम लोग अलग से एक पूरा वीडियो बनाएंगे। ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ है जिसमें सिलेबस की कॉपी दी गई है, तो दोज पीपल हु आर दी ऑफिशियल स्टूडेंट्स ऑफ राइट डायरेक्शन अकेडमी, तो उनको ये पीडीएफ फाइल मिल जाएगी व्हाट्सएप के ग्रुप पे। ऐसे स्टूडेंट जो कि आउटसाइडर्स हैं, तो बेसिकली ये पूरा वीडियो जो हम लोग बनाते हैं ये वॉलंटरी बेसिस पे बनाते हैं, तो उसका एक स्मॉल कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा इन केस अगर आपको ये पीडीएफ फाइल चाहिए रहेगी। तो द गूगल पे कॉस्ट इज ₹10, यू कैन मेक द पेमेंट विद द हेल्प ऑफ अ गूगल पे, और आपका पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट है वो आप व्हाट्सएप करना इस नंबर पे और आपको पीडीएफ फाइल इमीजिएटली मिल जाएगी। तो दिस वॉज द एंटायर स्टोरी अबाउट बीएलएस एलएलबी, बीबी एलएलबी एंड बीएलएलबी एंड ऑब्वियसली द 3 ईयर्स वाला एलएलबी। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद।